हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विजिटेन। डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर उपस्थित हूँ इस वीडियो में क्लास 10th का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। दो मेथड हमने आपको बताए थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और क्या करते हैं, एक आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे ही हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, इस चीज को हमने बता दिया था। एक बार लिखकर आपको मैं बता देता हूं और इसके बाद तुरंत आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं। एक्सरसाइज का 4.1, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी हमें लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए बी सी जीरो क्या है, रियल नंबर से, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो ए होता है ना ये जीरो नहीं हो सकता, ये होता है। फिर हमने बताया इसके दो क्या होते हैं सॉल्यूशन, जो इसके होते हैं, इसके सॉल्यूशन दो होते हैं, और इसको हमने बताया कि एक आपको फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ओके, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हमने बताया स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, कैपिटल डी से इसको हम डिनोट करते हैं। और एक बात ये भी बताया कि जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x ये दिया गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। कैसे, एक आपका होता है अल्फा इक्वल्स टू, आपका अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, और ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक तो इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ये हो जाता है, और डियर स्टूडेंट्स का जो दूसरा सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है बीटा इक्वल्स टू, बीटा इक्वल्स टू इसको ऐसे बनाते हैं, ये आपका है बीटा, बीटा इक्वल्स टू इसका होता है माइनस बी, क्योंकि ये माइनस आगे का होता है माइनस बी, एक बार आपने प्लस दे दिया एक बार माइनस देना होता है, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये इसके दो यानी कि वैल्यूज होते हैं, दो सॉल्यूशन के होते हैं अल्फा एंड बीटा के रूप में, तो ये क्या होते हैं इस फॉर्मेट में, इसको आप निकालते हैं ये इसके सॉल्यूशन होते हैं। फिर हमने यहां से बताया कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4 है इसको हम डी कहते हैं, कैपिटल डी, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हमने बताया जब डी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जीरो से ग्रेटर होगा, यानी जो डी की वैल्यू होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी, अगर वो जीरो से बड़ी है तो डियर स्टूडेंट्स इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। क्या बताया हमने, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, हमने बताया कि इसके दो रियल रूट होते हैं, इस तरह से टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, अगर डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है ये अगर जीरो आ गया, जीरो के बराबर आ गया, तो इसके क्या होंगे, टू रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, रियल रूट्स होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे इसके स्टूडेंट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, इसके दो इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन स्टूडेंट्स का ये है कि अगर डी की वैल्यू जो है वो जीरो से अगर छोटी होगी, यानी क्या हो गया, डी इज लेस देन जीरो, तो जब डी इज लेस देन जीरो हो गया तो इसके कोई भी रूट्स नहीं निकलते हैं, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं होते हैं, तो आप कह देंगे नो रियल रूट्स, ये इसके तीन कंडीशन होते हैं। चलिए अब हम आपको एक बात इसमें और भी इंपॉर्टेंट बता देने वाले हैं कि अगर मान लिया क्या है कि अगर इसके दो रूट्स दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा, अगर दो रूट्स दिए गए हैं, मतलब अल्फा दिया गया और बीटा दिया गया, ये दो रूट्स दिए गए हैं, तो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ पे बताएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स। ओके, कब, जब अल्फा एंड बीटा दो इसके रूट्स आपको पता है, दिए गए हैं और कहा गया इसके द्वारा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए, तो आप करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, आपका इस रूप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक ऐसा इक्वेशन बन गया कि जब आपको दो रूट्स इसके पता थे, फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। आगे एक्सरसाइज में इसकी जरूरत होगी, वहां पे हम इसको आपको समझाएंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया है, उसमें हमने और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके चीजों को बताया हुआ है। श्रीधराचार्य फार्मूला को भी वहां पे हमने प्रूव किया हुआ है कि उसको कैसे फॉर्म करते, कैसे बनता है, तो उसको आप वहां पे उस पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसका एक्सरसाइज 4.1 स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि आखिर 4.1 एक्सरसाइज में कैसे क्या क्वेश्चंस।
ठीक है, बहुत इजी है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, बस मैथमेटिक्स आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, आपको समझाता हूँ, आप भी रेगुलर प्रैक्टिस करिए कि आप खुद सॉल्व करिए, चेक करिए चीजों को, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाली पॉइंट मेरे समझ में नहीं आ रही है, तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसको दूर करूँ। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी चेक करना है क्या इसमें जो दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 x - 3, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बिल्कुल आप चेक कर लीजिए, a का हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, इट्स मींस 2 इनटू 1 इनटू x, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इनटू x 2x हो जाएगा, माइनस 2 3 जस्ट 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ये क्या है 2x माइनस 6, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2x इधर है ये आएगा माइनस 2x हो जाएगा, तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 उधर प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा, तो प्लस में तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। आप कहेंगे कि सर ये तो इस वाले फॉर्म में नहीं दिख रहा है, dx + c = 0 के फॉर्म में दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे क्या है इसमें क्या है x स्क्वायर प्लस 0 इनटू यानी कि क्या है 0 इंटू एक्स है प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इस वजह से दिख नहीं रहा है क्योंकि ये टर्म 0 हो जा रहा है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आपको दिख रहा है, ये दो टर्म आपको एक्स स्क्वायर प्लस सी वाले दोनों टर्म आपको दिख रहे हैं, और ये इस वजह से क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या है एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ऐसे सेकंड इसका जो दिया गया है, सेकंड दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स ये दिया गया है। ओके तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स ये आपका प्लस 2x हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सेकेंड हो गया। ऐसे इसी का थर्ड जो है स्टूडेंट्स, थर्ड क्या है, थर्ड में कहा गया है x प्लस 2 x प्लस 1 आपका हो जाएगा, इसी तरह से आप चेक कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी हैं अगर ये सभी आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हैं तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ऐसे आपको सभी को चेक करके देख लेना, बहुत ईजी है, आप इजिली कर पाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, बस अगर है तो आपको लिख देना यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं है तो नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बस इतना आंसर में लिख देना है। ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स इसका है, इस एक्सरसाइज का वो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट जो कि आप उसको अच्छे समझ नहीं पाते हैं तो अक्सर इसमें गलतियां कर देते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे उसको भी आप आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड जो है क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट सेकंड कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ यानी कि दिया गया सिचुएशन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डेवलप करना है। जिसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, तो मैं इसकी प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ निकाली, यानी क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। इसका जो फिगर स्टूडेंट्स इस प्रकार से, यानी कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर दी गई है, और कहा गया स्टूडेंट जो इसका लेंथ है वो इसके ब्रेड्थ से ट्वाइस से वन ज्यादा है, अगर मान लिया इसको हम x ले लें तो ये ट्वाइस यानी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इससे वन ज्यादा है तो ये हो जाएगा इसकी लेंथ, तो ये हो जाएगा ब्रेड्थ। ओके चलिए इसको समझते हैं, लगाते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा, लेट ब्रेड्थ ऑफ ब्रेड ऑफ प्लॉट जो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है बी x मीटर, मान लिया x मीटर है प्लॉट की जो ब्रेड्थ है, देन तो क्या हो जाएगा लेंथ, क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी
ट्वाइस ऑफ एक्स, क्योंकि ब्रेथ का ट्वाइस से वन जाता है, टू एक्स प्लस वन मीटर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका गेस हो जाएगा। सो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की स्टूडेंट्स एरिया क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगुलर की एरिया एल इंटू बी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एल क्या है स्टूडेंट्स टू एक्स प्लस वन अभी आपने निकाला, और ब्रेथ क्या है स्टूडेंट्स आपका एक्स, और एरिया जो है वो प्लॉट की दी गई है वो कितनी दी गई है 528 दी गई है। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 528 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 528 इक्वल टू जीरो। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना दी। इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ इसमें पूछा भी गया था कि हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है, तो लेंथ और ब्रेथ इसकी कैसे फाइंड करेंगे ये भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, इजिली कर पाएंगे, चाहे आप इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला में a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है 1 इनटू x, तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 - 528 हो जाएगा। तो ABC की वैल्यू निकाल के चाहे आप श्रीधराचार्य फार्मूला में रख दीजिए, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा जो मेथड है इसका कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको निकाल दीजिए। तो जब भी फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं किसी भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सबसे पहले क्या होता है जो इसका कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, ये क्या होता है इसमें लास्ट में जो ये आपका कोफिशिएंट यहाँ पे जो टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 को जब 528 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 2 4 15 हो जाएगा, और 2 5 10 ये आपका हो जाएगा 1056। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसको ब्रेक कर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 2 से जाएगा, 2 5 10 हो गया, 2 2 4 हो गया, एंड 2 2 4 हो गया, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 2 4 हो गया, 2 6 12, 4 8 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 3 6, अब ये 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 से 11 टाइम्स जाएगा, और 11 से 1 टाइम्स ये जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये आपका होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स x है, हमें कुछ ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो जो यहाँ पे 1056 आया हुआ जाए, और क्या करें अगर उसमें प्लस या माइनस करें तो ये जो यहाँ पे 1 है ये हमको मिलने लगे। तो कैसे मिलेगी, देखिए इसमें क्या करेंगे 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 और 11 3 33, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x² और ये आपका है प्लस x, तो ये प्लस x है, इसको आपने किसमें ब्रेक कर दिया स्टूडेंट्स 33x, ठीक है, या आप इसको करिए हाँ माइनस 32x प्लस 33x, यानी प्लस 33 में से माइनस 32 निकल जाएगा तो 1x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस 528 इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे इसमें 2x कॉमन है दोनों में, तो 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 16 बचेगा, इस तरह से बचेगा। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 33 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ओके मल्टीप्लाई 13 का करके चेक कर लिया 528 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं x माइनस 16, x माइनस 16 कॉमन हो गया तो x माइनस 16 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरा पद क्या हो जाएगा 2x प्लस 33, ठीक है इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये x इक्वल टू 16 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे इस वाले 2x प्लस 33 इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस 33/2 आ जाएगा, ये निगेटिव नंबर आ जाएगा, ये क्या है पॉसिबल नहीं, क्योंकि लेंथ आपका ब्रेथ पॉसिबल नहीं, तो ब्रेथ इसको x इक्वल टू 16 आ गया, निगेटिव नंबर हम नहीं लेते हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव x इक्वल टू 16 आ रहा है, यानी ब्रेथ इसकी क्या होगी स्टूडेंट 16 होगी। तो कहेंगे देयरफोर ब्रेथ ऑफ यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 मीटर, एंड लेंथ विल बी लेंथ क्या है ट्वाइस ए से, तो ट्वाइस से वन ज्यादा है 2 × 16 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 32 + 1 = 33 मीटर इसकी लेंथ आ गई। ये दो चीजें आपको निकालनी थी स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत इजी है, इसके आगे भी दो क्वेश्चंस, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप प्रैक्टिस करिए, चीजों को सॉल्व करिए, आई होप चीजों समझ में आई होंगी। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके दो और भी जो क्वेश्चन बचे हुए इसके साथ, अपना ख्याल रखिए, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।